मैं ये महसूस करने की आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आजकल हम ये सब बोलते हैं कि न्यूज मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसा किसी एक गवर्नमेंट पार्टी के पास नहीं होता, पैसा तो हर एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना चैनल होता, ऐसा नहीं है। जनरली तो हम एक न्यूज एंकर को गाली देकर बात सीधी सीधी खत्म कर देते हैं, लेकिन बस ये सिर्फ एक एम्प्लॉय है, इसके हाथों में कुछ भी नहीं होता। असल गेम तो कुछ और होता है। जनरली जानकारी हमारे पास न्यूज पेपर, न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसियों द्वारा मिलती है, और भी कई तरीके हैं, रेडियो, मैगजीन, सोशल मीडिया, लेकिन देश का ओपिनियन न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसी ही मिलकर बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी इन सब तीन चीजों को ही कंट्रोल करना चाहती है। न्यूज एजेंसियां बड़ी चीजों पर काम कर ऑपरेट करती है, उसी न्यूज को न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के पास बेचती है। यहां तक कि सरकारी चैनलों पर भी न्यूज एजेंसियों द्वारा ही लाई जाती है। अगर इंडिया की न्यूज एजेंसियों की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ तीन न्यूज एजेंसियां ही मौजूद है, UNI, PTI और ANI। न्यूज एजेंसियां न्यूज निकालती है और अपने सब्सक्राइबर को बेचती है। न्यूज पेपर और न्यूज चैनल वाले अपने जरूरत के हिसाब से ही रिपोर्टर रखते हैं, बाकी बची न्यूज न्यूज एजेंसियों द्वारा खरीद ली जाती है। गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा। भगवा की जो हालत सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। 1945 में जीना, जब तक ये गोदी मीडिया बंद नहीं करेगी तब तक भारत आजाद नहीं हो पाएगा। आप सब लोग देखते हैं कि ANI का माइक हर एक फुटेज के अंदर दिखता है। ANI फुटेज लेकर न्यूज चैनल वालों को अपनी फुटेज बेच देता है। अगर किसी को पूरे देश का कंट्रोल करना है तो वह न्यूज पेपर, न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसियों को कंट्रोल करता है। अगर ये तीनों चाहें तो सरकार को सपोर्ट भी कर सकती है या सरकार के खिलाफ ओपिनियन को खड़ा करने का भी दम रख। जब हमारा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने इंडिया ओपिनियन नाम से एक न्यूज़पेपर छापा था। नेहरू जी ने भी नेशनल हेल्थ के नाम से अखबार चलाया, ताकि वे लोगों को आसानी से समझा सके कि वे गरीबी के अंदर जी रहे हैं और लगातार अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। ये सभी चीजें वे अपनी गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की गलतियों की वजह से हैं। तभी ये भारत की जनता एक साथ होकर आजादी की लड़ाई लड़ पाई थी। अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट और ओपिनियन आपको अगर पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर कीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।